आज कैंडिड कॉन्वर्सेशंस में मेरे साथ है लकी बिस्ट। अब लकी बिस्ट की एक अपनी प्रोडक्शन कंपनी है, लेकिन स्पेशलिटी वो बात नहीं है। स्पेशलिटी ये है कि ही हैज बीन अ फॉर्मर एनएसजी कमांडो, ही इज बीन इन रॉ, ही इज बीन पार्ट ऑफ द स्पेशल फोर्सेस, ही वाज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी डिटेल ऑफ पॉलिटिशियन सच एज श्री नरेंद्र मोदी, मिस्टर राजनाथ सिंह एटसेट्रा। तो लकी जी, ये बताइए कि जब आपने अपना जो प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, तो उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसी स्टोरीज, कैसी फिल्म्स आप लोगों को दिखाना चाहते हैं? सर, अभी मैंने अदित सर के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, फ्लाइंग हेड प्रोडक्शन हाउस। मतलब मैं चाहता हूँ रियलिस्टिक सर, मतलब दुनिया की, ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉलिटिक्स दिखाना, क्राइम दिखाना। मतलब जो भी हमने कोविड ऑपरेशंस करे हैं, जिनको दुनिया के बारे में पता नहीं है सर, मतलब दुनिया में ऐसे लोग जिन्होंने मतलब इस देश के लिए बहुत किया है, लेकिन आज भी लोग उनको नहीं जानते, तो उनको मतलब उनकी जर्नी को या उनकी लाइफ को मैं दुनिया के सामने लेकर आता हूँ सर। और अच्छा, आज का जो भी यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो उन लोगों को जाने सर जिन्होंने मतलब इस कंट्री के लिए मतलब सबसे ज्यादा मतलब सर्वोच्च बलिदान दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए, पोवर्ट ऑपरेशंस तो आपने अपने करियर में बहुत किए होंगे, ठीक है, और मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड करता हूँ कि उनमें से बहुत कोवर्ट ऑपरेशंस के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं, बट ऐसे कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस के बारे में बताइए। नाम वाम आपको बताने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक लोकेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट विच यू वर पार्ट ऑफ कोई कोवर्ट ऑपरेशंस, एंड यू नो कि इन पे शायद आपको पिक्चर बनानी है, या कोई ऐसे लोग जिनके साथ आप मिशन पे गए हो और उनके बारे में कहानी आपको सुनानी है। बिल्कुल सर, देखिए अपनी लाइफ में मैंने 16.3 इयर्स में स्पेशल फोर्स ज्वाइन कर ली थी एजेंसी, तो 16 साल रहे ऑपरेशंस। तो सर देखिए, कई बार जब हम लोग रिमोट एरिया में रहते हैं तो ऑपरेशंस तो कंटिन्यू चलते हैं, मतलब कई कई बार ऐसा आता है कि 1 महीने के अंदर 30 में से हमारे को 25 दिन ऑपरेशन करने पड़ते हैं सर। तो ऑपरेशंस की तो कोई लिमिट्स नहीं है, क्योंकि काम ही इसलिए करने गए हैं सर ना, क्योंकि रिमोट एरिया में आपको किसी भी मतलब कैसे भी करके वहां को पीस करना है, टेररिज्म के वेपन्स को डाउन करना है, एनिमी को खत्म करना है, तो ऑपरेशंस बहुत रहे हैं। तो जिन लोगों ने मेरे साथ अपना करियर शुरू किया था सर, तो मैंने अपने साथ वालों को खोते हुए भी देखा है। ठीक है, मतलब अभी पता चला यार, थोड़ी देर पहले हम लोग दिन में लंच कर कर आए, इजली हम लोग बैठे हुए, थोड़ी देर के बाद एकदम से अलार्म लगा, ऑपरेशन में गए, उस ऑपरेशन से 2 लोग वापस नहीं आए सर। ठीक है, तो याद आता है क्योंकि जस्ट उसी रूम के अंदर आया हूँ सर, अभी थोड़ी देर पहले, 3-4 घंटे पहले हम साथ में बैठे हुए थे, 4 घंटे के बाद हम में से एक आदमी नहीं है सर। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग मतलब ये सोचिए ना सर, आप जिस एज पर मतलब आज एक 21 साल 19 साल का लड़का क्या जानता है सर, उसने दुनिया नहीं देखी, फिर भी मतलब अपनी लाइफ में कुछ नहीं देखा उसने। 17 ईयर में ज्वाइन करी फोर्स, ज्वाइन करी, 4 साल ज्वाइनिंग करने के बाद ऑपरेशन में वो कभी घर नहीं आया, तो ऑपरेशंस बहुत रहे हैं सर। तो आपकी जैसे देखो, आपने ऑब्वियसली जो ट्रेनिंग आप लोग ने की है वो तो कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग है। मेरे जैसे मामूली इंसान तो उसको विदस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे कुछ घंटों के लिए भी। पर ये बताइए कि जैसे अगर अगर आपको एक फॉरेस्ट में, एक कोई विल्डनेस एरिया में जैसे अकेला छोड़ा जाए और आपके पास कुछ इक्विपमेंट नहीं है, तो कितने देर के लिए आप अपने आप सर्वाइव कर पाएंगे, सर आप और जंगल कैसे के अंदर, सर्वाइव सर कर? देखिए ये हम लोगों को जंगल ट्रेनिंग में हम लोग सीखते हैं, कभी भी हम एनिमी के एरिया में चले गए तो, क्योंकि सर एक्चुअली क्या है, वहां पर हमारे को उतना राशन अवेलेबल नहीं होगा, तो एक जंगल में मतलब आदमी सर रहने के लिए, देखो अगर जंगल के अंदर सर्वाइव करने के लिए कि लिमिट नहीं है उसकी, अगर आप कहने का है कि जंगल में आप, अगर आपको पता है कोई ट्रेंड आदमी है जंगल में, वो साल भर भी जंगल में निकाल लेगा सर, उसको मतलब नहीं है, 1 ईयर में भी जंगल में रहेगा, उसको पता है कि उसने जंगल में कौन से पेड़ को खाना है, कौन सी पत्तियों को खाना है, जंगल में कैसे रहना है। अगर आपको, आप जंगल के बारे में, क्योंकि जंगल अपने आप में एक अलग दुनिया है सर, और सबसे बड़ी चीज क्या है, जब भी आप जंगल में एक बार कोई अनट्रेंड आदमी जंगल के अंदर घुस गया, वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है कौन सा। आप थोड़ा सा आगे जाओ, क्योंकि आपको जंगल में एक सीधा रास्ता तो मिलेगा ही ना सर, आपको दाएं बाएं मुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जैसे रोड नहीं होगी, आप विदिन 20 मीटर आगे जाओगे तो आपको दिखेगा एक झाड़ियां है, पेड़ है, आप हल्का सा टर्न ले लोगे, आप टर्न लेते लेते आप कितनी भी कोशिश करो घूम फिर के आप वही घूमते रहोगे, और आपको लगेगा कि यार आप 50 किलोमीटर चल लिए हो, 30 किलोमीटर चल लिए हो, तो आपको पता चलेगा यार मैं तो 2 किलोमीटर में ही घूम रहा हूँ करके। जब तक मतलब जंगल में आपको जब तक दिशाओं का ज्ञान नहीं है सर,
ठीक है, जंगल में जब तक आप जंगल को नहीं समझोगे ना तो आप जंगल से बाहर आ पाओगे ना जंगल में जी पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि जंगल में आपने शेल्टर कहाँ पर लेना है। अगर रात को अगर मैं दिन भर थका हुआ हूँ तो मुझे सोना कौन सी जगह है, क्योंकि मुझे पता चला कि मुझे नहीं पता मैंने पेड़ों के नीचे सो गया। क्योंकि रात के टाइम में जंगल में क्या होता है सर, कोई भी जानवर हो पक्षी हो दोबारा अपनी जगह पर आते हैं। पता चला कि मैं दिन भर हूं, मैं नदी के किनारे सो गया तो कोई नदी मुझे मिल गई, क्योंकि जितने भी जंगली जानवर हो पीने के लिए आएंगे पानी उधर, क्योंकि मैं तो सोया हूं ना सर। तो आपको हर जगह अवॉइड करना है जहां से आपको खतरा हो। आपको ये पता होना चाहिए कि जंगल में आपको हजारों तरह के पेड़ मिलेंगे, ठीक है। आपको खाने कौन से हैं सर, अगर आपको ये चीज पता है तो आप सालों तक जंगल में रह सकते हैं। तो ये सब अगर चीज के आपको ऑब्वियसली आप लोग को नॉलेज कम्प्लीटली है, क्योंकि आप लोग को ट्रेनिंग मिला हुआ है कि कैसे कैसे पेड़ पौधे हैं, कि आप कौन से खा सकते हो, कौन से नहीं खाने चाहिए, कौन से पॉइजनस हैं, कौन से मतलब आपको सस्टेन करेंगे। बिल्कुल, मतलब अगर आप मुझे जीपीएस नहीं भी देते हो, कंपास नहीं भी देते हो, तो भी मुझे जंगल में रात को चांद तारों को देखकर मुझे पता है कि मुझे कौन सी दिशा में मूव करना है सर। मुझे मैं आप मतलब रात को स्टार्स को देख लूंगा, मैं चांद की पोजीशन देखूंगा कि चांद की अभी पोजीशन क्या चल रही है करके। अगर दिन के टाइम में मैं पेड़ों के पत्ते देख लूंगा कि पूर्व कौन सा है, पश्चिम कौन सा है, ईस्ट वेस्ट, मैं सिर्फ पेड़ों के पत्तों को देखकर बता दूंगा। मुझे पता है कि पेड़ के पत्ते पीले हैं तो सूरज की रोशनी जब भी निकलती है कंटिन्यू 12 बजे तक उन पत्तों पर कंटिन्यू अपनी रोशनी देती है, तो जिस साइड से आपके मतलब जो पत्तों का कलर थोड़ा सा ग्रीन से हल्का सा चेंज हो गया है, मुझे एक दिशा का पता चल गया कि कौन सी दिशा पूर्व है, तो मैं उसके अलावा तीन दिशाओं का पता उसी से निकाल सकता हूँ सर। बस आपको सिर्फ एक दिशा का पता लगाना है मतलब जंगल के आपको अंदर। लकी लकी बिस्ट को गूगल मैप की जरूरत नहीं है। गूगल की जरूरत नहीं है, कंपास की भी जरूरत नहीं है सर जंगल में रहने के लिए। और फेस टू फेस कभी, जैसे आप फॉरेस्ट में हैं या वैसे हैं, फेस टू फेस आपके कोई जानवर के साथ एक्चुअली मतलब एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे कोई बाघ, शेर, सर लेपर्ड, पैंथर, वैसा मतलब लिटरली इन फ्रंट ऑफ यू? मैं आपको बताता हूँ सर, एक्चुअली क्या हुआ, मैं एक आउट ऑफ कंट्री में था, हम कहीं यूएन मिशन के लिए किसी कंट्री में गए हुए थे सर। तो एक इंफॉर्मेशन मिली कहीं सोर्सेस से कि कुछ एक लोग इन्फिल्ट्रेशन करने वाले हैं करके, अब उनको रोकना है। तो हम लोग उस ऑपरेशन के लिए सर लगभग 1600 आवर्स पर हम लोग निकल गए थे 4 बजे के समथिंग में। तो हम लोग जाने के बाद 10-11 बजे रात को जो भी हम पहुंचे, हमने अपनी भी बहुत थक गए थे सर। बॉडी के ऊपर देखो ना कम से कम 25 to 30 kg हमारा वेट था पूरा, बैटल एक्यूमेंट जीरो पैक के साथ। तो चलते चलते थक गए, तो अब हमारे को पोजीशन लेना था जंगल में, क्योंकि तो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन थी कि वहीं से इन्फिल्ट्रेशन करेंगे वो लोग, यहीं से आएंगे। अब मैं भी थका हुआ था, मैं जल्दी से सर मेरे हमारे सीनियर्स ने बोला कि ठीक है आप लोग सब पोजिशन लो करके अपनी अपनी। तो जब भी हम लोग पोजिशन लेते हैं सर, हर एक कमांडो का एक दूसरे कमांडो के साथ इतना डिस्टेंस होता है कि हम सिर्फ मतलब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, हम लोग ज्यादा क्लोज नहीं होते हैं। क्लोज का रीजन क्या है सर, अगर आपका एनिमी आपके ऊपर फायर मारेगा तो मैं एक ही मरूंगा, दो नहीं मरेंगे ना सर। तो मतलब आपका उतना डिस्टेंस होना चाहिए कि एक मरे लेकिन दूसरा बच जाए। तो मैं भी एक थका हुआ था, मैं पेड़ के नीचे बैठा सर, पेड़ के नीचे बैठा, बैठने के बाद मैंने पोजिशन ली। पोजिशन लेने के बाद हम सब लोग वेट कर रहे थे सर, 1 घंटा हो गया सर, फिर थोड़ा सा और थक गए, क्योंकि थके हुए अब धीरे से और थोड़ा रिलैक्स हो गया उसी पेड़ के नीचे सर। तो लगभग हमने 2 घंटे के समथिंग या 2.5 घंटे वेट किया, लेकिन जो एनिमी का आने का टाइमिंग था वो टाइमिंग क्रॉस हो चुका था। जब एक पक्का पक्का मतलब हमको लग गया कि यार अब एनिमी नहीं आएगा करके, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे, मेरे जो आगे के जो मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे या जो मेरे साथी थे, वो धीरे धीरे क्लोज होना शुरू हो गए, क्योंकि अब हमारे को वापस जाना है सर। वहां से धीरे 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 सब वापस आने लगे, तो आप मेरे फ्रेंड लोग भी मेरे साथ आए, तो मैं भी खड़ा हो गया। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे मजाक में क्या किया सर, अब हम तब जा ही रहे तो यार मैं उठ नहीं रहा हूं, मतलब मैं पेड़ के नीचे हूं तो मैं उठ नहीं रहा। अरे बोला उठना यार, उसने मेरे मुंह पर सर्च लाइट मार दी टॉर्च की। जैसे उसने मेरे मुंह पर सर्च लाइट मारी, मैंने ऐसा किया तो उस सर्च लाइट से उसी पेड़ के ऊपर एक टाइगर बैठा हुआ था सर, उसने जंप मारा नीचे और मैं 2 घंटे से उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था सर। तो मुझे 2 घंटे के बाद पता चला कि जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ हूँ उस पेड़ के ऊपर एक टाइगर बैठा हुआ है, और वो भी उस सर्च लाइट से पता चला सर। ये बताइए कि मेरे को सुनने में आया था कि आपके ऊपर भी कोई पिक्चर बनने वाली है, वैसा कुछ सर मतलब एक्चुअली आपकी मेरी स्टोरी मेरे पर? ऊपर हाँ मेरी लाइफ के ऊपर हुसैन जैदी सर सर जो हाँ एक ऑथर है बड़े, वो हाँ मेरी बायोपिक लिख रहे हैं सर, जिस पर लिख वर्क रहे स्टार्ट हैं। हो चुका है। हाँ स्टार्ट हो चुका है सर, अच्छा लगभग 30% कंप्लीट हो चुका है। तो हॉपफुली नवंबर या दिसंबर में एक बुक पब्लिश होने वाली है मेरी लाइफ के ऊपर सर। और अच्छा इस बुक के जो राइट्स हैं
वो हुसैन जैदी से किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने ले लिए, तो मैं भी नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मूवी बनानी शायद 2023 तक आने की संभावना, लेकिन जो मेरी लाइफ पर बुक है वो इसी नवंबर या दिसंबर में पब्लिश हो जाएगी सर। ओके ओके, क्योंकि आई थिंक मिस्टर जैदी ने आपको कुछ महीने पहले वीडियो इंटरव्यू भी किया था। हाँ एक्चुअली सर, मैं एक्चुअली क्या हुआ, मैं भी क्राइम लिखता हूँ, तो जैदी सर पुराने हैं सर, उनका फैन भी हूँ मैं, तो मैंने कहा क्यों ना एक मतलब जिसको इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, क्योंकि चलो क्राइम मैंने दुनिया में देखा है सर, मैंने टेररिज्म देखा है, मैंने क्राइम देखा है, लेकिन उसको पेपर्स में कैसे लिखना है ये कोई एक्सपर्ट, तो मैंने कहा कि उनके साथ में कोई वर्क करूं, तो मैं अपना एक ऑपरेशन उनके साथ शेयर करना चाहता था कि सर हम इस ऑपरेशन के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन बुक लिख सकते हैं। तो जैदी सर बोले यार कि ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन बात में करेंगे पहले तेरी लाइफ करते हैं, उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है करके। तो फिर लगा चलो ठीक है, तो अभी लिख रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि मिस्टर जैदी के बहुत किताबों पर बहुत मूवीज बनी हुई हैं। सबसे लेटेस्ट जो ब्लॉकबस्टर मूवी बनी थी वो आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी थी, संजय लीला बंसाली वाली। बट लकी जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा तो हर रोज नहीं है कि मैं किसी से बात करता हूँ जो पेड़ के नीचे थे और बाघ उनके ऊपर था और उनके बैग के अंदर सांप थे और वो फॉरेस्ट में एक साल के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच, आपने देश की भी इतनी सेवा की है, इतने लोगों को प्रोटेक्शन दिया है, इतने सारे कोवर्ट ऑपरेशंस किए हैं, और आपकी तो लाइफ स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, नो डाउट अबाउट इट। बट थैंक यू हमारे से बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।